अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं पेसी में। मार्को पोलो हाइटी थी हमारी। मेरी फ्रेंड्स ने पार्टी थ्रो की थी मेरे लिए मार्को पोलो में, और हम लोगों को जाना था, तो मैंने सोचा एक व्लॉग बनाया जाए और आपके साथ अपनी बर्थडे में शेयर करूं। तो ये हम आ चुके हैं पेसी में, मेन एंट्रेंस में हम दाखिल हो चुके हैं, और साइड पे पार्किंग एरिया था, और ये हम आ गए हैं पीसी के अंदर मेन उनका जो है हॉल उसमें। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ, इसके साइड पे डिफरेंट डिफरेंट हॉल्स हैं, और ये किसी की बर्थडे पार्टी का लगा हुआ स्लॉट, और ये ताइपान है हॉल, और इसके बाहर हम खड़े हुए थे स्टार्टिंग में ही ताइपान। जो लोग चाइनीज़ लवर हैं वो यहाँ पे लंच करते हैं आके, और ये उसके टाइमिंग्स हैं विद रेट्स प्लस टैक्स। आप लोग यहाँ आके चाइनीज़ इन्जॉय कर सकते हैं। और इसके बाद हम ने सोचा कि हम मेन रिसेप्शन पे जाके तो अपनी जो भी है पूछें कि कब तक हाइटी स्टार्ट होनी है। तो हम आ गए हैं मेन रिसेप्शन पे, यहाँ पे हमने पूछा उनसे कि हमारी हाइटी कब स्टार्ट होगी, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपकी हाइटी 4:30 पे स्टार्ट होनी है, और अभी वहाँ पे चल रही है मसलन सेटिंग वगैरह, अरेंजमेंट चल रहे हैं। ये हम मेन हॉल में आए हैं, और ये साइड पे सारे ऊपर रूम्स हैं और लिफ्ट थी, तो हम ये मार्को पोलो हॉल में दाखिल हो चुके हैं। और यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट खड़ी हुई थी, किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, और हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो फारिग हो और हमें अपनी हमारी जो टेबल है वहाँ तक हमें गाइड करे। तो अभी देखें, हम ज़रा थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो ये मार्को पोलो हॉल की अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट। और इनसे हमने पूछा कि हम लोग की सीट किधर है, और क्योंकि हमने बुकिंग करवाई हुई थी तो वो हमें ले गई और उसने हमें हमारी जगह पे बिठा दिया। तो मैंने सोचा अभी लोग कम हैं तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाऊं आपके लिए। तो ये देखें, स्टार्टिंग में ये आलू चना और दही भले और फ्रूट चाट की ये तैयारी हो रही है, ठीक है। और इसके सॉसेस और देख लें, सैलड सॉसेस वगैरह सब अरेंजमेंट हो रही है। साथ ही मैं आगे गई तो गोलगप्पे थे, उसके साथ मीठा था और खट्टा था, आप लोग जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। इसके अलावा ये सॉसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। मार्को पोलो की हाइटी अच्छी थी, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चाय के साथ ये नीमको वगैरह आप देख सकते हैं कि उन्होंने साइड पे रखी हुई है कि चाय के साथ आप ले सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर्स ये लगे हुए थे। और आगे हम गए तो आगे, क्योंकि हम जल्दी आ गए थे, तो ये सूप का जो एरिया था, अभी इसमें सूप नहीं आया था, अभी वो लोग रेडी कर रहे थे, क्योंकि हाइटी में थोड़ा सा टाइम था। तो जितना भी मैं आपको दिखा सकूं, ये है जी उनका सैलेड बार, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के सैलेड्स आपको नज़र आएंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स के बाद इन्होंने चेंज कर दिए थे, दोबारा नहीं मिले थे वो जब हम लेने गए तो उन्होंने चेंजेस कर ली थी। ये सैंडविचेस हैं, बर्गर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा कलरफुल सा मेन्यू था। और इसके बाद हम आगे गए,
तो आगे जो डिशेस थी वो अभी फिलअप नहीं हुई हुई थी, तो मैंने सोचा जो जो डिशेस नज़र आ रही हैं हम उसको कवर कर लें। तो हम आ गए हैं ये डिज़र्ट में, ये उनका डिज़र्ट एरिया है। तो ये देखें, गुलाब जामुन और खीर थी और केक थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्रीज थी, बहुत अच्छी अच्छी और ब्राउनीज थी, कस्टर्ड था। देखें, पेस्ट्रीज की बहुत वैरायटी थी और डोनट्स, और आप देख सकते हैं डिफरेंट बेकरी आइटम्स थी इसमें। आप इजीली अवेल कर सकते हैं जो आपका दिल करे, क्योंकि काफ़ी डिज़र्ट में काफ़ी कुछ था। ये देखें, पेस्ट्रीज हैं। इसके अलावा स्वीट्स में भी डिफरेंट स्वीट्स थी। और इसके अलावा जो हम मीठे पकोड़े खाते हैं बाज़ार से लेके, वो भी थे, जो लाइव उसकी फ्राई हो रहे थे और तेल लगा के वो सर्व हो रहे थे। इसके बाद जी, ये देखें, ये मैं सूप की तरफ आ गई, क्योंकि सूप लग चुका था। और ये कॉर्न सूप था, अभी वो डालने के उसमें फिल कर रहे हैं। और इसके अलावा ये हॉट एंड सॉर सूप है, ये था। और ये डिफरेंट सूप की सॉसेस थी, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें, ये पिज़्ज़ा है और ये रोल्स हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स हैं जिसमें मीन्स चिकन, मटन, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये उनका लाइव किचन है जिसमें वो सब बेक कर रहे हैं और रेडी कर रहे हैं। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए और स्टार्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, स्टार्ट लिया उन्होंने सैलेड बार से। तो ये देखें जी, ये बारबेक्यू आइटम है, सीख कबाब थे और चिकन टिक्का था। ये चिकन टिक्का था और उसके बाद अफगानी बोटी थी, जो कि लाइव शेफ़ जो है वो फ्राई कर रहे थे, वो तंदूर में जो है बेक हो रही थी, और आप देख सकते हैं। उसके बाद ये पकोड़े थे और चिकन की विंग्स थी और फिंगर फिश थी, ठीक है। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, अपनी मेरी फ्रेंड्स ने जो मेरे लिए पार्टी थ्रू की थी, तो मुझे बहुत खुशी थी, कुछ स्पेशल सा फील हो रहा था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखें जी, मीठे पकोड़े जो कि लाइव वो लोग फ्राई करके और तेल लगा के आपको सर्व करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नान थे, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि भाई इसको खोलो और मैंने दिखाना है। तो उसने खोल के तो मुझे दिखाया, साथ ही हमने वेटर को बोला कि सारे खोल दो। तो इसमें कीमे वाले नान थे, आलू वाले नान थे, रोगनी नान थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नान थे, और स्पेशली कलौंजी नान जो कि इनका बहुत ज़बरदस्त होता है, वो भी था, ठीक है। अभी इनकी डिशेस आने वाली थी, तो ये देखें, इन्होंने लास्ट मोमेंट पे ये चाइनीज़ एग फ्राइड राइस और साथ ब्लैक पेपर चिकन चिली, ये था विद वेजिटेबल्स। और इसके अलावा यहाँ पे चाउमीन थी, चिकन चाउमीन। इसके अलावा यहाँ पे बेक्ड पास्ता था, आप देख सकते हैं। और साथ ही इसके साथ आलू टिक्की इन्होंने रखी हुई थी, और साथ ही इसके हलीम थी बहुत मज़े की, और उसके साथ हलीम के जो भी
लवाजमात होते हैं वो प्रॉपर इन्होंने रखे हुए थे। ये हैं जी मेरी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स, और ये बात कर रही हैं कि मैं ये समझ रही हूँ कि पिक्चर उतर रही है, फिर मैंने इनको बताया कि वो वीडियो बन रही है, तो वो मेरी थोड़ी सी कर रही थी, मुझे बर्थडे विश कर रही थी, और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फ्रेंड्स हमारी काफ़ी हैं जो कि मोस्टली आउट ऑफ कंट्री हैं, उनको हमने टेलीफोन पे लिया और उनसे मज़े की बातें की, और उन्होंने भी विश किया मुझे, और मुझे बहुत स्पेशल फील हो रहा था। ये मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड्स हैं जो नहीं आ सकती हैं, वो फोन पे थीं, कुछ मसरूफ थीं, जिनकी वजह से हम लोगों ने बस हम लोग तीन थे और हमने सबको कॉल पे लिया, बातें की, और अपने बर्थडे मोमेंट्स हमने बहुत इन्जॉय की, सबको मिस किया, और सभी कह रहे थे कि हम लोग ज़रूर जब भी आएंगे तो फिर एक पार्टी थ्रो करेंगे। तो ये है जी लेमन पानी, और इसके अलावा एक और जूस था जो कि मिल रहा था हाइटी में, तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा हम हाइटी को एंजॉय करें। तो ये मेरी फ्रेंड्स जो हैं ये खा रही हैं जी, डेजर्ट एरिया में आई हुई हैं, और थोड़ा सा इन्होंने बारबेक्यू डाला हुआ है, और अब ये मीठा डाल रही हैं, ठीक है। और इसको मैं छेड़ रही थी, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, तो इसको मैं छेड़ रही थी कि ये मेरी फ्रेंड्स हैं, हम इनकी प्लेट्स पे फोकस करें, और वो हंस रही थी, और इसके साथ जो है वो कह रही थी कि मैं तो उनके लिए भी डाल रही हूँ, मुझे नज़र मत लगाओ, ठीक है। ये देखिए मैं कह रही हूँ प्लेट पर फोकस करो, तो ये यही बोल रही है कि मुझे नज़र मत लगाएं, क्योंकि ये मैं तुम सबके लिए डाल रही हूँ, ठीक हो गया। वीडियो बनाने लग पड़े, और अब जो है हम लोग फाइनल कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, जो कि मेरी फ्रेंड्स की आ रही थी मोबाइल पे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट्स थी मेरे लिए, और बहुत मुझे स्पेशल फील हो रहा था, जो कि मैंने आपके साथ एंजॉय किया। इसके बाद हम चले गए लाइव सिंगिंग पे, और लाइव सिंगिंग हो रही थी, और यहाँ पे जो सिंगर थे वो हबरनाक में सिंगिंग करते थे, तो वो हमें मिल गए अचानक से, जो यहाँ पे वो सिंगिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपना तारुफ करवाया, और फिर मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए कुछ सॉन्ग्स जो हैं डेडिकेट किए, और हमने वो सॉन्ग्स बहुत इन्जॉय किए, ठीक है। ये मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो उनसे ज़रा डिटेल से इंटरव्यू ले रही हैं कि आप किधर चले गए, हबरनाक में क्यों नहीं हैं, ये वो। तो अब ये मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मेरा नाम लिखवा रही हैं कि आप कोई सॉन्ग डेडिकेट करें और हमारे हवाले से करें, हमारे नाम लेकर करें मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मेरी वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे पार्टी थी, जो कि मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड्स ने थ्रो की थी, और मेरे लिए हमेशा Thank you.
स्पेशल फील हो रहा है। अच्छा जी, अब हमारी हाइटी हो गई है ख़त्म और हम वापस जा रहे हैं, तो ये वापसी पे छोटे छोटे फिश एक्वेरियम बनाए हुए हैं जिसमें मल्टी कलर्स की फ़िश आप देख सकते हैं। बहुत प्यारी लग रही थी जब हम वापसी पे आए, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाई जाए। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था और हमारे लिए तो बहुत अच्छा इवेंट रहा। तो आप लोग भी अपने स्पेशल मोमेंट्स को यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं थैंक्स बोलूँगी अपने फ्रेंड्स का कि उन्होंने मेरे स्पेशल डे को बहुत ही स्पेशल बना दिया।